हे स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, परफेक्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा किए थे, कॉम्पिटेटिव का पार्ट थोड़ा किया था। इस वीडियो में मेनली हम लोग कॉम्पिटेटिव वाले क्वेश्चन ही ज्यादा करेंगे। किस टॉपिक पे बेस्ड? पॉइंट चार्ज के फील्ड पे बेस्ड, यूनिफॉर्म फील्ड पे बेस्ड। आज हम लोग जितनी जगह पे अप्लाई हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, पूरे मैकेनिक्स में कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, इलेवेंथ वाले पॉइंट्स के मल्टीपल एप्लीकेशन वाले भी क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने इसको 1D में अप्लाई कर चुके थे। आपको याद होगा स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस एक चार्ज का हमने निकाला था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग उसी को 2D में अप्लाई करेंगे। तो हम लोग करने वाले इसको अप्लाई प्रोजेक्टाइल में करेंगे, प्रोजेक्टाइल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोजेक्टाइल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया है। तो एक चीज आपने देखा था कि जी की जगह क्या रिप्लेस हो गया था? एक्सेलरेशन क्यूई बाय एम, या एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ गया था? क्यूई बाय एम। प्रोजेक्टाइल में कौन सा एक्सेलरेशन होता था? ग्रेविटी। तो कैसा होगा? सपोज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां आपने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया थीटा एंगल पे। सो इसके दो केसेस हो सकते हैं, इफ ग्रेविटी इज प्रेजेंट, ग्रेविटी इज नॉट प्रेजेंट। सो If gravity is zero, तो time period क्या आ जाएगा बताओ? 2u sin theta by g। g की जगह कौन सा acceleration? qe by m। आप इसको ऊपर ले जा सकते हो। रेंज कितना होगा? u square sin 2 theta upon again this acceleration, gravity होती थी यहाँ पे। हाइट की जगह क्या आ जाएगा? u square sin square theta upon 2g होता था यहाँ पे। उसकी जगह क्यूई बाय एम लिख दोगे। जिनका ये सारा कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूले याद नहीं है, एक बार जाके प्रोजेक्टाइल मोशन वाला वीडियो देख लेना, रिवाइज भी हो जाएगा वो टॉपिक। नेक्स्ट, अगर ग्रेविटी प्रेजेंट होगी तो क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा सोच के बताओ। देखो इसमें हमने क्या एज्यूम किया, ये चार्ज क्यू है, ये मास एम है। ऑब्वियसली ये चार्ज क्यू है, ये मास एम है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। अब अगर यहां पर ग्रेविटी भी आएगी, पहले आप इसको इतना नोट कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सेकेंड केस क्या है? अगर ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी इज प्रेजेंट, तो आपको देखना है कि अब ये वाला जो पार्ट है क्यू बाई एम, इसके साथ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, या किसी और एंगल पे ऐड होने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड नीचे है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी आ गई बताओ? ग्रेविटी तो थी, उसके साथ क्या ऐड हो गया? qe by m। तो वो जितने फॉर्मूले थे, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2u sin theta by g effective लिखो गया, and that g effective is what? 2u sin theta upon g plus qe by m। It's very simple। आगे आप रेंज और हाइट ऐसे ही लिख सकते हो। तो यहां पे माइनस कब आएगा, थोड़ा पॉज करके सोच के बताना, देखते हैं कितने लोग गेस कर पाते हैं। नाउ कम बैक। तो यहां पे माइनस कब आएगा? बहुत ऑब्वियस है, अगर ये चार्ज कैसा हो गया माइनस, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। दूसरा, या तो ये प्लस ही रहे और फील्ड किधर हो जाए? ऊपर की डायरेक्शन में। तो आराम से समझना, प्लस चार्ज फील्ड डाउनवर्ड क्या होगा? प्लस क्यूई बाई एम। देन माइनस चार्ज फील्ड डाउनवर्ड यहां क्या होगा? माइनस क्यूई बाई एम। नेक्स्ट, प्लस चार्ज फील्ड अपवर्ड यहां क्या होगा? माइनस क्यूई बाई एम। नाउ इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखो आप। सपोज ये ऐसा कोई यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट्स है, प्लस एंड माइनस, फील्ड इधर की तरफ है, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म फील्ड है ई वेक्टर। एक चार्ज क्यू एम को आपने थ्रो कर दिया है विद काइनेटिक एनर्जी के, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? के। दिस एंगल इज सपोज 60 डिग्री, बिल्कुल इसके प्लेट के यहां से थोक दिया आपने। नाउ इस पे फोर्स किधर लगेगा? अगर ये प्लस चार्ज है तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ग्रेविटी इज एब्सेंट, आपको लिखना है ग्रेविटी इज एब्सेंट। सो क्वेश्चन क्या है इसमें, दैट हाउ मच फील्ड शुड बी अप्लाइड so that particle doesn't
स्ट्राइक अपर प्लेट, डजंट स्ट्राइक अपर प्लेट. वेरी सिंपल. आपको कितना फील्ड अप्लाई करना है या मिनिमम मैक्सिमम कितना फील्ड अप्लाई करना है वो सोचना है आपको, सो दैट ये अपर प्लेट को हिट नहीं करेगा. ऑल्सो फाइंड रेंज, ऑल्सो फाइंड रेंज फॉर दिस केस. तो आप समझ लो ये डिस्टेंस डी गिवन है यहां पे इन दोनों के बीच की. तो पहले हम लोग ये सोचते हैं इट डजंट स्ट्राइक द अपर प्लेट का मतलब क्या हुआ. यहीं से आपको डेटा निकालना होता है. आराम से समझो, आप सोच के बताओ कि डजंट स्ट्राइक का मतलब इसकी जो मैक्सिमम हाइट आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी और इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू डी. पॉज करके सोच के वापस आइएगा. सो हाइट लेस होना चाहिए अगर इसको क्लियर करना है, इसको इस प्लेट को क्लियर करना है, स्ट्राइक नहीं करना है. इक्वल होगा तो बस ये जस्ट इसको ग्रेज करके जाएगा. तो इसका मतलब हाइट शुड बी लेस देन और इक्वल टू डी. सो हाइट की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g शुड बी लेस देन और इक्वल टू डी. तो यहीं से अपने को क्या बताना था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. इस ग्रेविटी की जगह क्या रिप्लेस करना है अपने को, ग्रेविटी तो एब्सेंट है, इसी की जगह क्या लिखना है आपको, QE बाय एम. तो क्या कंडीशन आ गई बताओ, एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू क्यू ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू डी. बट आप ध्यान से देखोगे ये हाफ एम यू स्क्वायर जो है वो कितना है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल. एंड साइन स्क्वायर 60 कितना है, साइन स्क्वायर 60 इज रूट 3/2 होल स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्यू ई डी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ग्रेटर देन, उधर वाले पार्ट को मैं इधर लिख रहा हूं, इक्वल टू वॉट 3/4 के अपॉन क्यू डी. सो आपका आंसर क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3k/4qd. सो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट देयर मस्ट बी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एटलीस्ट इतना फील्ड लगाना है. इससे ज्यादा लगाओगे तो और अच्छी बात है, वो इसको बिल्कुल टच भी नहीं करेगा, काफी दूर से पहले से ही वापस आ जाएगा. हाइट की वैल्यू और कम हो जाएगी, जैसे जैसे आप डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बढ़ाओगे वो कम हो जाएगा. तो ग्रेटर है या लेस है वो ऑटोमेटिकली यहां से डिसाइड हो जाता है, दैट हाइट की वैल्यू अपने को चाहिए लेस देन और इक्वल, तो यहां पुट कर दो अपने आप ये आ जाएगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हैं एनएलएम में, लॉज ऑफ मोशन में. एनएलएम प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा हॉरिजॉन्टल फील्ड दे दिया ई वेक्टर. अपने को बताना है यहां पे एक पेंडुलम अगर सस्पेंड है, मास एम चार्ज क्यू, सो फाइंड एंगल थीटा, फाइंड एंगल थीटा ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ऑल्सो टेंशन टी. दो चीजें बतानी है, टेंशन कितना होगा और ये एंगल थीटा कितना होगा. बहुत ही अभी थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही है. तो क्या होगा आप थोड़ा सा देखना, सॉल्यूशन का डायग्राम अलग से बनाना तो आपको अप्रोच समझ में आएगी. इधर की तरफ अगर आप फील दे रहे हो, आप फील करो इसको, आप ऐसे खींचते खींचते आगे ले जा रहे हो, तो क्या बिल्कुल यहां तक चला जाएगा क्या, या और उसके ऊपर चला जाएगा क्या, कहां तक जाएगा दैट इज डिफरेंट थिंग. कहां पे इक्विलिब्रियम में आएगा वो हमसे पूछा गया. तो अगर सपोज ये इक्विलिब्रियम में यहां तक पहुंच गया, इक्विलिब्रियम में यहां पे है, तो इस डायरेक्शन में ये जो फोर्स लग रहा है इस पे वो कितना लगेगा, क्यूई. इधर क्या फोर्स लगेगा, एमजी एंगल थीटा. तो पेंडुलम वाले क्वेश्चन में आप देख चुके हो कई तरीके से दैट टेंशन का कंपोनेंट अगर आप लेते हो, दिस इज टी, दिस इज एंगल थीटा. सो टी का ये कॉम्पोनेंट है टी कॉस थीटा, विच बैलेंसेज वॉट एमजी, एंड टी का ये कंपोनेंट कितना है टी साइन थीटा, विच बैलेंसेस क्यू ई. यहां से दो चीजें निकालनी है थीटा एंड टी. तो थीटा निकालने के लिए तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन 2/1 कर लो, क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू q
क्यूई अपॉन एम जी। तो ये बहुत सिंपल सा है, जितना ज्यादा फील्ड होगा उतना ज्यादा एंगल बनेगा। नेक्स्ट, अब यहां से टेंशन निकालना है, तो इक्वेशन वन का स्क्वायर प्लस इक्वेशन टू का स्क्वायर कर दो, आप ऐड कर दो इन दोनों को। सो ये टी कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। सो दैट इज टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर। सो टेंशन कम्स आउट टू बी रूट ओवर एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर। वैसे भी ये दो परपेंडिकुलर फोर्सेस को बैलेंस कर रहा था, तो हम लोग वैसे भी देख चुके हैं कि क्या आता है रूट ओवर फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकेंड फोर्स का स्क्वायर। नाउ एनएलएम को थोड़ा सा स्मूथ से थोड़ा फ्रिक्शन वाला करते हैं। सी, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, तो ये हमने इक्वेशन किया है 11th में, अगर वी वेलोसिटी ऐसे दिया ये कहां पे जाके स्टॉप होगा, स्मूथ है तो भी, फ्रिक्शन है तो भी। इस बार थोड़ा सा इसमें क्या है, फ्रिक्शन भी है और इसके ऊपर प्लस चार्ज भी है इस सरफेस के ऊपर, इस ब्लॉक के अपर सरफेस पे भी कुछ चार्ज है। कितना चार्ज है वो क्यू है, और ये फील्ड कितना दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर दे रहा है। तो ये डायग्राम से आपको समझना पड़ेगा, ये पूरा डेटा लिखूंगा तो ये बहुत लेंथी होगा, आप आराम से समझना। देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल थीटा, पॉज करके आप चाहो तो ये पूरा नोट कर लेना। एंड अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड वी ऑन इट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू, द प्लेन गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट, यू हैव टू फाइंड स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक। स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसका मास एम गिवन है, किसका, ब्लॉक का, इसका मास एम गिवन है। नाउ अगर फ्रिक्शन नहीं है, बहुत इजीली समझना, कंफ्यूज नहीं होना कि इतना सारा चीज एक साथ इसमें गिवन है, सॉल्यूशन में बता रहा हूं आप आराम से देखना। इसका हम लोग एफपीडी कैसे बनाते थे, पहले देखते इफेक्ट होगा क्या। एक इधर आता था एम जी, एक इधर आती थी नॉर्मल रिएक्शन, वो हम लोग यहां शो कर सकते हैं ऐसा। उसके साथ साथ क्या आ गया, एक क्यू ई आ गया, तो चेंज तो बस यही हुआ ना इस केस में, केस के साथ क्या आ गया, क्यू ई आ गया, दैट्स ऑल। इधर की तरफ क्या लगेगा, स्प्रिंग काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या लगने वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। और एक इसके कंपोनेंट्स आएंगे ऑब्वियसली, जब एमजी के हम लोग लेंगे तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको लेते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इक्वेशन कैसे लिखते थे, स्टॉपिंग टाइम निकालना है या स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो स्टॉपिंग टाइम के लिए अपने को क्या लगाना है बताओ, v इक्वल टू यू प्लस at। x डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगा रहा हूं, दिस इज x, दिस इज y, ये हो गया फाइनली जीरो, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग टाइम। इनिशियल स्पीड कितनी थी v, एक्सेलरेशन क्या होगा थोड़ा आप आराम से समझना। एक कंपोनेंट तो एफ के है काइनेटिक फ्रिक्शन, दूसरा कंपोनेंट किसका है, एम जी साइन थीटा का। तो एक भी कंपोनेंट आप मिस नहीं करना, आराम से देखना, मैं एक ही डायग्राम में सारे कंपोनेंट शो नहीं करता हूं, उससे बहुत सारे फोर्सेस दिखने लगते हैं, आप खुद से निकाला करो। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्स में कंपोनेंट है इसका पूरा, एम जी का भी एक कंपोनेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, एन और क्यू ई का आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में है, इक्वेशन किधर लिख रहे हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या आएगा बताओ, माइनस ऑफ एफ के प्लस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम इनटू टी। अब ये क्या हो गया, काइनेटिक भी अपोज कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, एम जी साइन थीटा भी इसको रोक रहा है, क्योंकि वो तो तब भी रोकता जब ये पूरा स्मूथ होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो भी रोकता ये एम जी साइन थीटा। अब थोड़ा आपने भी समझना है, यहां से टाइम की वैल्यू तो आ जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी थोड़ा देखना, ये कई लोगों को रटा होता है म्यू एम जी कॉस थीटा, यहां वैसा नहीं करना, आप यहां लिखोगे म्यू इनटू एम, एम कितना है वो वाई की इक्वेशन से पता चलेगा अपने को, वाई की इक्वेशन क्या होगी बताओ, एम प्लस क्यू ई, एम प्लस क्यू ई माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, आराम से समझो, इसका कंपोनेंट वाई में आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। सो एन कितना आ गया, एम जी कॉस थीटा माइनस
QE. So, पहले आप इसको पुट करो यहां, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बताओ, म्यू टाइम्स mg cos थीटा माइनस QE. अब अपने को क्या करना है, इसको उठा के पुट करना है इक्वेशन वन में, क्योंकि यही तो नहीं पता था अपने को कि फ्रिक्शन अपोज तो कर रहा है, सबको पता है इसको रोकेगा, कितना अपोज कर रहा है, इसको उठा के यहां रख देना है. तो क्या आ जाएगी इक्वेशन बताओ, पुट इन वन, सो दैट इज जीरो इक्वल टू वी माइनस म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस क्यूई, दिस इज एफ के प्लस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास, दिस डिवाइडेड बाय मास नॉट दिस इंटू टी. सो यहां से आप क्या वैल्यू निकाल लोगे, टी की वैल्यू निकाल लोगे. सो टी कितना आ जाएगा बताओ, दिस इज एम वी अपॉन म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा माइनस क्यूई प्लस एम जी साइन थीटा. इसी में और कुछ वेरिएशन भी हो सकते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज नॉट परपेंडिकुलर अपवर्ड बट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ऐसा होता तो क्या आ जाता, बस इस माइनस की जगह प्लस आ जाता, इस पे भी प्लस की जगह माइनस चार्ज होता ये क्यू, तो भी यहां पे क्या आ जाता, माइनस की जगह प्लस आ जाता. वो वेरिएशन तो आपको आइडिया हो ही गया होगा. नाउ अभी इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बताना है, तो आप लोग पॉज करके वन लाइन में आंसर लिखने की कोशिश करो, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आएगा, फिर वापस आना. तो अगर इसको बहुत सिंपल वे में हम लोग देखें, इसको मैं रफ कर रहा हूं, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन टू ए, जिनको याद नहीं है फटाफट ऐसा निकाल लेना स्टॉपिंग डिस्टेंस. सो अगर यहां पूरा सॉल्व करने की जगह हम लोग ये देखें कि यहां एक्सेलरेशन आया कहां से था, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, यही तो ए है, ये जो टर्म है वो क्या है हमारा एक्सेलरेशन है, उठा के वहां पुट कर दो. सो दैट इज म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस क्यूई दैट इज प्लस एम जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय मास. अब इसको ऊपर ले जाओ, एम वी स्क्वायर अपॉन टू ऑफ दिस वैल्यू, दिस विल बी द आंसर. सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज हो रहे थे, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे नीट के टॉप रैंक जो चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए, मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए. इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें भी मल्टीपल एप्लीकेशंस होंगे, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसका वर्क एनर्जी पावर के साथ मल्टीपल एप्लीकेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ हो सकता है, इलास्टिसिटी के साथ हो सकता है, और जो मोस्ट चैलेंजिंग बुक्स मानी जाती है पूरे वर्ल्ड की, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. सो आई रिपीट कि जिनका नीट में टॉप 100 का टारगेट है, या जिनका जेई मेंस में बहुत अच्छी रैंक का टारगेट है, एडवांस का जिनका टारगेट है, वो उस वीडियो को जरूर जरूर देखना. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच.